दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है ब्रिक बाय ब्रिक इंफ्रावेंचर के डायरेक्टर मिस्टर भाविक जैन सर। जैन सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी रियल एस्टेट में जो बूम चल रहा है, तो आप ये बताइए कि आपके काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, नर्सरी प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का स्टेटस है और क्या सिनेरियो चल रहा है, उस बारे में बताइए। अभी की प्रोग्रेस देखते हुए नागपुर की रियलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम है, काफ़ी इंक्वायरीज है सभी जगह, अभी डिमांड मतलब सभी लग्जरी फ्लैट बोलो अफोर्डेबल बोलो सभी में अभी एक बूम आया है। नागपुर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट के कारण रियलिटी सेक्टर में अच्छी बूम है। 2 BHK फ्लैट्स हम लोग जैसे भी कर ही रहे हैं, 2 BHK 3 BHK, तो अफोर्डेबल में भी अच्छा डिमांड है सभी के लिए। हमने अभी ऋषभ एनक्लेव एक स्कीम लॉन्च किए थे करीब करीब 60,000 फुट पे, तो ऑलमोस्ट वो पूरी सोल्ड आउट है। उसमें कमर्शियल ब्लॉक है 8,000 फुट के, तो उसकी भी काफ़ी इंक्वायरीज है, तो बूम अच्छा है नागपुर का। डेवलपिंग देखते हुए रियलिटी सेक्टर में अच्छा उछाल है। जब हम आपके प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, जो कम्प्लीशन हो चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आप होम बायर्स को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। अभी का एक कम्युनिटी लिविंग का एक टाइम अभी लोगों को पसंद है, थोड़ा ओपन रहे, बड़े बड़े विंडोज एरी ग्लास ये फसाड हो गया, बालकनीज हो गई, तो लोगों को टेरेस हो गए, तो उसमें अच्छा आनंद आता है, तो लोग वो फ्लैट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि एकदम कॉम्पैक्ट साइजेस वगैरह। तो उस हिसाब से ओपन स्पेस हो गया, गार्डन हो गए, तो वो सब रहा, तो फैसिलिटीज तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए जैसे सोलर पैनल हो गया, एनर्जी पॉइंट हो गया, जो अभी न्यू जनरेशन की डिमांड चल रही है, उस बारे में आपका क्या है? नहीं, ये तो बहुत आवश्यकता हो गई है। जैसे हमारा अभी हम स्कीम में सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉमन एरियाज वगैरह जो हो गए हैं, उसके लिए हम लोग सोलर लगा के दे रहे हैं सोलर पैनल, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे कम्युनिटी की है वो बचती है। फिर सोलर वाटर हीटर हो गया, तो ये एक हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा वो है, इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से भी और सभी के तरफ से। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, पॉल्यूशन की आने वाली जनरेशन के लिए ये एक अच्छा कर्तव्य है जो हम सबने करना चाहिए। नागपुर कैसा क्या ग्लोबल सिटी बन गया है, स्मार्ट सिटी बन गया है, और काफ़ी लोग बिहार में अभी बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप विशेष ऑफर देने जा रहे हैं अभी जबकि आगे रामभूमि है? बिहार का डेवलपमेंट थोड़ा सा जिस स्पीड से होना था वो अभी पकड़ा है स्पीड से, तो अभी वहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आए हैं, IT कंपनीज आई है, फिर लॉजिस्टिक्स पार्क आ रहे हैं, तो वो देखते हुए वो भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल एरिया डेवलप हो रहा है। स्कीम वहाँ पे अगर देखा जाए सिटी में जो कंजेशन में रह रहे हैं, कई लोगों को पसंद आ रहा है कि खुले वातावरण में रहना वगैरह, तो वो एक प्लस पॉइंट है, पर एक वो अपने आप में एक नया नागपुर, न्यू नागपुर टाइप में डेवलप हो रहा है, तो अच्छा प्रोग्रेस है। आज देखा जा रहा है कि बिल्डर्स लोग कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं, कोई कस्टमाइज कर रहा है, तो कोई फर्निश्ड कर रहा है, या कोई गिफ्ट एसी दे रहा है, तो आपकी तरफ से ऐसे क्या विशेष दिया जा रहा है? सर हम लोग इसमें जैसे मॉड्यूलर किचन हो जाता है, POP हो जाता है, ये सब हम लोग देते हैं एक्स्ट्रा, बाकी ACs और TV तो मतलब TV का इतना रहा नहीं, ACs वगैरह देना लगे हैं बिल्डर। लग्जरी स्कीम में आप देखेंगे तो इटालियन मार्बल्स आ गए हैं, फिर जो आपकी विंडोज है ये काफ़ी मतलब जर्मनी वगैरह की ये आने लगी है, तो वो सब क्वालिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो लोग अभी ग्रोहे और इन सब की कंपनीज की अच्छी कंपनीज के लगाने लगे हैं, तो उसमें बहुत वो आया है कि लोग लग्जरी के तरफ जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं ब्रिक बाई ब्रिक इंफ्रावेंचर की, तो आप ये बताइए कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं, उस बारे में बताइए क्या स्टेटस है? अभी हमने जैसे एक ऋषभ एनक्लेव किया है कंप्लीट, जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसमें 36 फ्लैट्स है और 6 कमर्शियल्स है, तो वो उसमें ऑलमोस्ट 35 फ्लैट्स सोल्ड हो गए हैं, फिर कमर्शियल्स उसमें से 50% सोल्ड हो गया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। वही देखते हुए हमने एक और एक स्कीम ऋषभ एनक्लेव 2 स्टार्ट किए है, जो 2 BHK 3 BHK और के लिए है। फिर एक हमने PMAY की योजना शुरू की है नीवस्टोन बिल्डर्स में,
अपना उसमें जो गरीब लोगों को घर की वो है आवश्यकता, तो वो हमने पीएमएवाई मोदी जी के इसमें वो देखते हुए हमने वो लॉन्च किया है स्कीम, जिसमें 15.5 लाख रुपए में 1 BHK मिलता है, जो बहुत ही मतलब गरीबों के लिए और इन लोगों के लिए बोले बहुत अफोर्डेबल फ्लैट्स है। तो वो एक हमने नया लॉन्च किया है, वो 350 फ्लैट की स्कीम है वो किया है। फिर जैसे ऋषभ एनक्लेव 2 है तो 30,000 फुट का उसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो वो एक हमने अभी सेमिनरी हिल्स फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में लॉन्च किया है। अब जबकि देखा गया कि अपने नागपुर शहर में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, इसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क किया हुआ है, DCPR के तहत बूस्ट किया हुआ है, तो काफ़ी बिल्डर्स लोगों को भी प्रोत्साहित किया हुआ है, उस दिशा में आप लोग कुछ आगे बढ़े हैं क्या? जी, यूनिफाइड का और मेट्रो का जो एक्स्ट्रा FSI है उसका लाभ पूरे नागपुर सिटी को मिला है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी हाई राइज बना पा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा, ये कोई भी स्कीम हो तो उसमें बहुत बेनिफिट है, जो पहले इसका 50% बनता था अभी सेम प्लॉट पे आप डबल बना सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान मिला है। हमने काफ़ी स्कीम्स में किया है हमारे, चाहे वो रामदास पेट की स्कीम हो कि भार की अफोर्डेबल स्कीम हो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी हमने किया है, तो करीब करीब ऑलमोस्ट आपको जो पहले के रूल्स थे उससे अब डबल बनाने मिल रहा है, तो उसमें सभी का ही फायदा है। इवन ग्राहकों के लिए भी ये फायदा है कि उसमें जो पहले प्राइस आए थे तो वो अभी उनके लिए वो वहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। और दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ऐसे जो सेगमेंट है जो तो फाइनेंस की जब बात करते हैं, 80-90% फाइनेंस होता है अपने स्कीम में। जी जी जी, तो इजी लोन फाइनेंस और साइट विजिट, उसके बारे में क्या प्रोविजन उस बारे में? सर, सभी स्कीम से आप कोई भी बैंक से आपका फाइनेंस हो जाता है। सब प्रोजेक्ट आजकल रेरा के इम्प्लीकेट आ गए हैं और सभी बैंकों के ये होने से स्टेट बैंक हो या नेशनलाइज हो, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, लोन आपको विद इन 1 हफ्ते में सैंक्शन हो जाता है। उसकी पूरी फैसिलिटीज रहती है हर स्कीम में। और रही बात साइट विजिट की, आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है वो विजिट करा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, वो फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। और फाइनेंस सभी को हो जाता है, अगर पेपर सबके सही रहे तो सब बैंक्स फाइनेंस को 1 हफ्ते में सैंक्शन कर देते हैं। जैसे इस वक्त और एक डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रिक बाय ब्रिक के, मिस्टर वीरल जैन सर। जैन सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे इन्वेस्टर्स जो लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से जो लोग हैं जी, वो काफी लोग यहाँ सेटल हो गए नागपुर में जी, और उनको आपके स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या परचेस करना है, बायर्स जी, होम बायर परचेस करना है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप बताइए किस तरह की स्कीम चल रही है, उस बारे में बताइए। सर, इसी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, जैसे मेजर कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्ट करना रहता पर उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का अफोर्डेबिलिटी का पहले इशू होता था, तो यही देखते हुए हमने फिर एक नीस्टो नाम की स्कीम लॉन्च करी, जिसमें 1 BHK और 2 BHK दोनों हैं। अफोर्डेबिलिटी अगर बात करें तो 15.5 लाख से 1 BHK मिलते हैं, एंड वही 2 BHK 30 लाख के आसपास में मिलते हैं, 30-31 लाख। तो इससे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने का भी अपॉर्चुनिटी है, प्लस वो लोकेशन ऐसा है कि उनको रेवेन्यू के लिए वहाँ पे रेंट पे, जैसे आसपास में कॉलेज एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे उनको रेवेन्यू भी मिलता है। तो जैसे कि आपने बताया कि अफोर्डेबल सेगमेंट में भी काफी अवेलेबल आपके फ्लैट्स, अब जब लग्जरी और सेमी लग्जरी की जब बात करते हैं जी, उसमें क्या आप नयापन देते हैं बायर्स को, उस बारे में बताइए। उसमें हम एडिशनल पार्ट इसमें ये करते हैं कि जो सेगमेंट जैसे स्पेसिफिकेशंस होते हैं हमारे फ्लैट्स में, तो वो हम क्लास ए के यूज़ करते हैं, जैसे जगुआर के टॉप ग्रैंड रहते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ में टाइल सब ब्रांडेड रहती है, कहीं ना कोई भी चीज़ में हम रिलेटेड टू स्पेक्स क्लास ए ही रखते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है कि कोई भी रहने या खरीदार आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं जाए या कोई कंप्लेन नहीं रहे, उनको संतुष्ट रहे वो उनके पैसे उन्होंने क्योंकि मेहनत के दिए हुए। जैसे कि काफी बाहर से बोलते हैं कि स्टैंप ड्यूटी हो गई, रेडियो रेट्स है जी, वो जो गवर्नमेंट को तो पे करना ही पड़ता है, करेक्ट। तो अब जैसे बाहर से दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो आपकी जो स्कीम जो चल रही है जी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देते हैं क्या, जहाँ पे सब्सिडी की बात होती है? सर, सब्सिडी इनिशियली होता था, पर अभी हमारा जो प्रोजेक्ट का स्टेज है वो हम कंस्ट्रक्शन, जैसे एक प्रोजेक्ट की जिसमें छोटे भाई ने बात किया था उसमें मेजर सेल आउट हो गया है, उसमें हमने वो स्कीम रखी थी,
अभी की जो करंट स्टेट है उसमें सब्सिडी तो नहीं है, बट हाँ उनको जैसे परचेज को अट्रैक्ट करने के लिए उनको एज एन रिवॉर्ड हम उनको मॉड्यूलर किचन या पीओपी एडवांस इन्हें देते हैं। ज्यादा से ज्यादा बायर्स थे, होम बायर्स थे, आपके स्कीम में जो यूनिट्स थे उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे सेगमेंट्स है जी, उन लोगों को आपका क्या एक मैसेज होगा, क्या एक आह्वान होगा? हम आपको बस यही मैसेज देंगे कि हमारे पास में 15 लाख से लेकर 50 लाख तक एक फ्लैट की रेंज है, आपके पॉकेट साइज के हिसाब से बेस्ट लोकेशन पे बेस्ट यूनिट अवेलेबल है, आप बिल्कुल हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो भी बेस्ट सर्विस दे सकते हैं हम बिल्कुल खुशी से देने का प्रयत्न करेंगे। ओके वीरेंद्र सर।